अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर सोते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। चोरों ने दो गाड़ियों के टायर हैं आप देख सकते हैं कि वो चुरा लिए हैं और नवे टायर पाए थे ना दो दिन हो गए। नवे टायर पाए थे ना तो लोहे व्हील पाए थे ना। मैं अपना रिश्तेदार मामा जी को आया था शामी आया था मैं हाँ जी हर रोज़ तो नहीं आया अज ही खड़ी की रिश्तेदार को आया था। नमस्कार, यदि आप अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर सोते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, इस समय हम पहुँचे हैं कैथल की राधा स्वामी कॉलोनी में, जहाँ आप देख सकते हैं कि गली नंबर 3 और गली नंबर 7 से चोरों ने दो गाड़ियों के टायर हैं आप देख सकते हैं कि वो चुरा लिए हैं और हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी घटना है ये। हालांकि जानकारी ऐसी मिली है कि एक जगह और जो चोर हैं वो ये ऐसी वारदात को जो अंजाम है वो दे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बलेनो गाड़ी और एक सियाज गाड़ी की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो चोरों ने चारों टायर जो खोल करके चोर ले गए हैं और जैसे ही मालिक ने सुबह उठकर देखा तो उसके होश उठ जाते हैं। तो किस तरह की घटना है, कब की घटना है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सियाज गाड़ी किस तरह से ईंटों पर खड़ी है और जो मालिक है हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह की ये घटना है और कब की घटना है और कितने कौन को नुकसान हुआ है। तो आइए जानकारी ले लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? अक्षदीप नाम है अपना जी। अक्षदीप जी, हाँ जी, आपकी गाड़ी है? जी हाँ जी साहब, अपनी गड्डी है जी। कैसे हुई घटना, थोड़ा बताइए जी। घटना दे ही सवेरे उठ के वेख्या जी गड्डी इट्टां दी खलोती सी। अच्छा हाँ जी, सानू 5:30 पता लग गया। अच्छा हाँ जी, रात नू असी कुछ शाम नू खड़ी कीती 6 बजे नाल जी। उस तों बाद छेड़ी नी गड्डी ते सवेरे उठ के वेख्या अपना ते सानू गड्डी मतलब लोहे व्हील पए सन। अच्छा हाँ, नवे टायर पाए थे असी अजे दो कु दिन होए ने। अच्छा, दो एक दिन होए ने नवे टायर पाए सन अजे ते लोहे व्हील पाए सन असी। बस हम रिपोर्ट पढ़ लिखाइए, अजे तक तो कोई नहीं, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं आया जी। हाँ जी, तो मतलब कितने बजे की घटना, कोई सीसीटीवी हो या सीसीटीवी अब हानू वेखियां कैमरे च 12:30 बजे तो लैके 3 बजे के बीच गल है। अच्छा हाँ जी, 12:30 तो लैके 3 बजे तक एक I-20 गड्डी 5-6 गेड़े मारे ने उन्हें। अच्छा, तो फिलहाल तो उधर छक के सानू जी। तो यहाँ मतलब सीसीटीवी नहीं है कोई आसपास? नहीं, एक सारी गली च 2 ही सीसीटीवी कैमरे ने। अच्छा, और कोई नहीं गए और ही गड्डी दे आए ने। उन जो सीसीटीवी कैमरे 2 लगे हुए उन्हीं में चेक किया है? उन्हीं में चेक किया। अच्छा। और च बस I-20 गड्डी आई एक, उन्हें 5-6 गेड़े मारे ने, और तक कुछ नहीं आया। वो भी 12:30-3 बजे के बीच बीच जी। तो कितने का नुकसान है आपको? मेरे 1,00,000 रुपये का नुकसान है। 1,00,000 का नुकसान? हाँ। तो हर रोज 30,000 दे टायर ने। अच्छा, कोई 60-70,000 दे लोए सन। हेलो जी, तो मतलब हर रोज यहीं खड़ी करते थे आप? हाँ जी, मैं अपना रिश्तेदार मामा जी को आया था शामी आया था मैं। अच्छा हाँ जी, हर रोज़ तो नहीं आया, अज ही खड़ी की रिश्तेदार को आया था जी। उंज भी कई बार जिवें असीं पहला भी आते रहे हैं, जिवें 3-4 महीने पहला भी आए सा या परसों भी आए सा, दो दिन छड़ के आए सा, उदों भी इत्थे खड़ी की सी। अच्छा हाँ जी, तो मतलब एक घटना और हुई है इसी गली में? हाँ, एक बलैनो गड्डी दी हुई है, 5-6 गली छड़ के ही है। अच्छा हाँ जी, वो बलैनो गड्डी भी नवी गड्डी है, उन्होंने भी डायमंड लोहे पाए सन। अच्छा हाँ जी, वो भी चोरी हुए ना जी। आप देख सकते हैं किस तरह से जो सियाज गाड़ी है ईंटों पर खड़ी है, क्योंकि इसके जो टायर है रात को जो घटना हो जाती है चुरा कर ले जाते हैं, और किस तरह आप देख सकते हैं कि अलॉय व्हील थे और लाखों का नुकसान मालिक को है। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये यहाँ रिश्तेदारी में आए थे, उसके बाद सुबह उठकर देखा यहाँ ये गाड़ी ईंटों पर खड़ी मिली। तो आपको बता दें कि एक जो 3 नंबर गली में भी बलैनो गाड़ी के चारों जो टायर है वो चोर निकाल कर ले गए हैं, तो ये बड़ी वारदात है। और आपको बता दें कि आप भी अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं तो ज़रा सावधानी बरतें, उसका ध्यान रखें, कहीं कहीं आपके साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।